गुणायतन के परम संरक्षक राकेश जी रजनी जी गोधा जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूर्त है, ये विद्या सिंधु नहीं पिरवी ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते हैं, मुनिवर प्रमाण सागर जी की, मुनिवर समनिर्मिक सागर जी की, संधान सागर जी की हम पूजन आज रचाते हैं। ओम रीम 108 श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक्षण जी, संधान सागर जी, तीन कृष्णानंदों को जल प्रलादी महार्ग नृपामती। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे महोत्सव के स्वागत अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र सिटी, गुणायतन के श्रमण संरक्षक और धर्म प्रमाण समिति वर्षा योग 2024 की स्वागत अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिटी, श्रीमान महेंद्र जी गंगवाल गया जो कि हमारे संदीप भैया के पिता श्री माता श्री हैं, भी आए और पात्र प्रशन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और जयपुर से हमारे बीच पिंकी भैया हैं, बेबी अजावे परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र चरण के रूप में, आशीष जी पिंकी जी जयपुर गुणायतन ट्रस्टी आए। देखिए हमने व्यवस्था निर्धारित की है, यजमान के साथ प्रत्येक दिन हमारे 9 रत्नों में से 1 रत्न परिवार मंच पर बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर ली है। आज रमेश चंद जी को आमंत्रित करूंगा हमारे यजमान के साथ मंच में स्थान ग्रहण करें। हाँ, आप लोग अपने स्थान पर बैठो। उदयनगर 1 मिनट बची है विजय। हमारे बीच में हमारे समय शिवी कैलाश जी वैद्य उपस्थित हैं, वे भी आए अपने पुत्र नितिन जी वैद्य के साथ, नीलेश जी वैद्य के साथ। और आइए चलते हैं, समय हो चुका है मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का, आज बैठ के 35 मिनट हो चुके हैं। पारस चैनल जनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगलाचरण के लिए। कोई मंगलाचरण नहीं, क्षमा करना, मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो सब्यसाहुणौ सो पन
सो पंच नमो यारो सव पाव पनाशिनो सब पाव पनाशिनो मंगलालंच सवे सिम मंगलालंच सवे सिम ओ मंगलम परम होइ मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज। जय 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 बोले परम पूज मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्वेक सागर जी महाराज की, संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज श्री, मैंने अपने जीवन में खूब पैसा कमाया। महाराज पॉश एरिया में मनपसंद घर भी बनाया, समाज में मेरी बहुत अच्छी पहचान भी बन गई, बच्चों का संबंध अच्छे बड़े घरानों में कर दिया, लेकिन इसके बाद भी मन में संतुष्टि नहीं रहती। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं समझता हूँ ऐसे भाव आप लोगों के मन में भी आते होंगे। आते क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में संतुष्टि क्यों नहीं? जिसके पास कमी हो उसे प्यास हो समझ में आता है, पर उपलब्धियों के बाद भी किसी की प्यास बनी हो, असंतुष्टि बरकरार हो, बात समझ में नहीं आती। आज बात मुझे आप सबसे केवल उसकी ही करनी है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जीवन में चाहे कितनी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना हो, यदि तुम्हारे मन में संतोष का अभाव है तो सारी उपलब्धियां अर्थहीन है। और यदि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो और मन में संतोष हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। बाह्य उपलब्धियां हमारी उपलब्धि नहीं, अंतः तुष्टि ही हमारे जीवन की मूल उपलब्धि है। ये हमें समझ करके चलना चाहिए। आंतरिक संतोष जिसका आज घोर अभाव दिखता है, आज मैं आप सबसे इसकी ही बात करूंगा। आत्मतोष क्यों नहीं, पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये असंतुष्टि क्यों, सब कुछ होने के बाद भी असंतुष्टि क्यों, चार बातें उस संदर्भ में मैं करूंगा। सबसे पहली बात, अभावोन्मुखी दृष्टि। क्या है अभावोन्मुखी दृष्टि? मेरी दृष्टि मेरे पास जो है उस पर कम, जो नहीं है उसके ऊपर ज्यादा होती।
होती है कि नहीं बोलो। हर व्यक्ति इसी भागम भाग में परेशान है। मेरे पास जो है अगर देखा जाए तो पर्याप्त है, बल्कि पर्याप्त से भी अधिक। पर मुझे मेरे पास जो है वो दिखता नहीं। जो मेरे पास नहीं है उसकी तरफ मेरी दृष्टि ज्यादा जाती है, और जब तक ऐसी दृष्टि बनी रहेगी अंतर असंतुष्टि अंगड़ाई भरते रहेगी, वो हमें आकुलित करते रहेगी। अपने मन को पलट करके देखिए, आपको किन बातों से असंतुष्टि है, थोड़ा विश्लेषण कीजिए। उसी व्यक्ति को मैं आपके सामने खड़ा कर देता हूँ जिसकी बात से मैंने अपनी बात शुरू की, चिंता मत करना, यहाँ वो आदमी है नहीं, पर आपकी कल्पनाओं में खड़ा करूँगा। कुछ लोग पीछे मुड़ के देखने लगे, महाराज किसको खड़ा करने वाला, मैं ऐसे खड़ा नहीं करता, चिंता मत करना, मुझे तुम्हारी ढांकने की चिंता रहती। आप उस व्यक्ति को खड़ा कीजिए। वो कह रहा है पर्याप्त धन है, पॉश कॉलोनी में अच्छा मकान है, समाज में अच्छी पहचान है, बच्चों का अच्छे घर में संबंध है, सब कुछ है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? पहला उत्तर, आपस में सामंजस्य नहीं है। क्या है? आपस में सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य की कमी, ये हो सकती किसी के साथ भी, अरे सब कुछ किए नहीं। दूसरा, सब कुछ है संतुष्टि नहीं, क्योंकि मेरी किसी को कद्र नहीं है, घर में ही समादर नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, असंतुष्टि है, उसका कारण सब कुछ है पर एक दूसरे का सहयोग नहीं है। सामंजस्य की कमी है, समादर की कमी है, सहयोग की कमी है, और चौथी बात, एक दूसरे के प्रति किसी का भाव नहीं है। हो गए चार। अब सामंजस्य कहां से आए, समादर कैसे बढ़े, सहयोग की भावना कैसे हो, और सद्भाव कैसे प्रकट हो? महाराज ये सब चीजें नहीं है तो ये आएगी कहां से? भैया तुमने इनके लिए प्रयास कहां किया? तुमने पैसा के लिए प्रयास किया, तुमने प्रतिष्ठा के लिए प्रयास किया, तुमने प्रभाव के लिए प्रयास किया, तुमने अपनी पहचान के लिए प्रयास किया, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वो मिलेगा, और जिसके लिए प्रयास करना किया ही नहीं वो मिलेगा। अब तुम तय करो कि तुम्हारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यक क्या है, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव और पहचान की, सामंजस्य, समादर, सहयोग और सद्भाव। किसकी ज्यादा जरूरत है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, पहले वाले की कि बाद वाले की? हाँ, बाद वाले की जरूरत है। अपने जीवन में उसके लिए हमने आज तक कोई प्रयास किया? तो जिसके लिए हमने अभी तक कभी प्रयास ही नहीं किया, उसकी उपलब्धि कैसे होगी, और उसकी उपलब्धि के अभाव में संतुष्टि कैसे होगी? अभी भी हम अपनी असंतुष्टि का कारण कुछ और खोजते हैं। मेरे पास पैसे हैं पर मेरे
साथ वालों के पास मुझसे ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए पैसे की कमी मुझे असंतुष्ट करती है। मेरा मकान पॉश एरिया में है, पर मेरे मकान से भी सामने वाले का मकान ज़्यादा अच्छा है, इसलिए असंतुष्टि है। मैंने कार खरीदी, जगुआर की 2.5 करोड़ की कार खरीद के लेके आए, लेकिन इसी बीच कार लेके आए उस समय तो मुझे बड़ी संतुष्टि, मैं अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने बड़े आत्मतोष के साथ कहा, देखो आज सबकी मन पसंद गाड़ी आ गई, 2.5 करोड़ की गाड़ी मैंने लाके खड़ी की और किसी ने 3.5 करोड़ की मर्सिडीज लाके खड़ी कर दी। अरे यार गड़बड़ हो गया, काश हम भी ये ले लिए होते। वो अल्पकालिक संतुष्टि है जो पल में बदल जाती है। आप लोगों को ऐसा आत्मतोष बहुत होता है ना, कुछ भी काम करते हैं तो लगता हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, और बाद में किसी और का तीर निकल जाता है तो आप भी फेल हो जाते हो, सीधे अंदर लग जाता है। मुझसे ज़्यादा अच्छा घर दूसरे का, मुझसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी दूसरे की, मुझसे ज़्यादा पैसा दूसरे के पास, और मुझसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दूसरे की, मुझसे ज़्यादा प्रभाव दूसरे का, मुझसे ज़्यादा पहचान दूसरे की, तो फिर मैं पैसा बढ़ाने में लग जाता हूँ, मकान बदलने में लग जाता हूँ, गाड़ी खोजने में भागने लगता हूँ, पहचान बनाने में दौड़ने लगता हूँ, प्रतिष्ठा की होड़ में जुड़ जाता हूँ, और अपना प्रभाव या धाक जमाने की फिक्र में मग्न हो जाता हूँ। संतुष्टि कहाँ छिटक कर चले जाती पता ही नहीं चलता। संत कहते हैं ये अंधी दौड़ है, ऐसी दौड़ जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं, बस दौड़ना है इसलिए दौड़ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि मैं अंधी दौड़ में दौड़ रहा हूं? कभी लगता है क्या? शायद नहीं। एक दिन मैं बिहार कर रहा था तो एक गाड़ी गुजरी और उसके साथ साथ एक कुत्ता दौड़ने लगा। कुत्ता दौड़ने लगा, कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको आप देखो वो हमेशा दौड़ता ही रहता। कभी चलता हुआ कुत्ता देखा आपने? बोलो, कुत्ते को चलता हुआ नहीं देखा होगा। देखा क्या? कोई ने देखा? वो कुत्ता दौड़ता ही रहता है, उसकी स्टाइल ही ऐसी है। तो क्या हुआ, गाड़ी क्रॉस हुई, गांव का एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। गाड़ी की बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी और कुत्ता एकदम उसके साथ साथ दौड़ने लगा। गाड़ी थोड़ी आगे थी, कुत्ता उससे थोड़ी पीछे था। मेरे साथ के लड़कों ने पूछा, महाराज जी क्या ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? मैंने कहा पकड़ भी लेगा तो बैठ नहीं पाएगा। क्या महाराज ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? मैंने कहा पकड़ भी लेगा तो बैठ नहीं पाएगा, और बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा। पकड़ भी लिया तो बैठ नहीं पाएगा, और बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा, और चला भी लिया तो कुत्ता ही कहलाएगा, आदमी नहीं बन पाएगा। तो ये अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं, जिसके लिए प्रयास अपेक्षित है वो प्रयास हम करते नहीं, और जो कितने भी प्रयासों के बाद पूर्णता तक नहीं पहुंच सकती उसके पीछे हम पागल हैं। उनका कोई अंत है क्या? बोलो, कोई अंत नहीं। हम लोगों ने बचपन में सीखा है दाम बिना निर्धन दुखी,
तृष्णावश धनवा कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छा। ये हम लोगों को बचपन में सिखाया गया, रटाया गया, फिर भी उसी दौड़ में क्यों? एक के पास अति अभाव है और एक के पास अति भाव है। चाहे अति अभाव हो या अति भाव, दोनों दुखी हैं, क्योंकि एक के मन में चाह है और एक के मन में आ है। दोनों के पास राह नहीं है, दा है। दा है, झुलसाने वाली है, इसका अंत नहीं। अभावोन्मुखी दृष्टि जब तक बनी रहेगी, मन में असंतुष्टि भरी रहेगी, आप बच नहीं सकते। तो हमें क्या करना है? जिससे संतुष्टि मिलती है वो रास्ता अंगीकार करना है, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा, ये श्रृंखला आप चलेगी। सामंजस्य, समादर, सहयोग और सद्भाव संतुष्टि के मूल आधार हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि असंतुष्टि का मूल कारण पकड़ करके चलिए, अभावोन्मुखी दृष्टि। कुछ न कुछ कमी तो जीवन में बनी ही रहती है। संसार में एक भी प्राणी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे पास सब कुछ है। मिलेगा क्या? बोलो, एक भी नहीं। किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ? बोलो, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ? सब कुछ उसी के पास मिलेगा जिसने अपने पास जुड़ा हुआ बहुत कुछ से मोह मोड़ लिया है। इस संसार में पूर्णता तो है ही नहीं, रिक्तता और अभाव संसार की पर्याय है, ये बनी ही रहेगी। इसमें कभी कमी नहीं होगी, तो उसको हमें पूर्ण करना है, आगे बढ़ना है, तो अभावोन्मुखी दृष्टि से बचे। पर हम उसी का रोना रोते रहते हैं। एक बार कोयल का बच्चा मोर के बच्चे को देखकर मचल उठा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे ये काले काले पंख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए, मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए। कोयल की माँ ने बच्चे से कहा, बेटे, अपने पंख अच्छे हैं, काम के हैं, ठीक है, इससे काम चला। नहीं माँ, मुझे तो मोर जैसे पंख चाहिए। और वो मचल उठा। और बच्चे जब मचलते हैं तो एकदम ही मचल उठते हैं, उन्हें माँ बाप की मजबूरी का कोई आभास नहीं होता। मचल उठा, अब क्या करे? हार कर कोयल मोर के पास गई और कहा, मोर भैया, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, मेरे बच्चे का मन तुम्हारे पंखों के लिए मचल रहा है, यदि एक आध पंख दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
कोयल की प्रार्थना सुनकर मोर मुस्कुराया और हर्षित होकर अपना एक पंख झड़ाया। कोयल की प्रार्थना सुनकर मोर मुस्कुराया, हर्षित होकर अपना पंख झड़ाया। कोयल ने एक पंख उठाकर अपने बच्चे के पंख में लगाया। मोर के सुंदर पंख पाते ही बच्चे का मन हर्षाया और उसने जोर की कूक लगाई। और जैसे ही कोयल के बच्चे ने मधुर कूक की, मोर का बच्चा वहीं चिल्लाया और उसने अपनी मां से कहा, मां मेरी आवाज बहुत भौंरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। मेरी आवाज बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। अब क्या करे बोलो। कोयल का बच्चा मोर के पंख के पीछे परेशान है और मोर का बच्चा कोयल की आवाज के पीछे पागल है। यही तो तुम्हारी हाल है, यही है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियाँ इस प्रसंग में बहुत सार्थक है। छोड़ कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। समझ में आई कि नहीं आई, फिर से बोलूं। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार और उस पार वाले को इस पार का ही दिखता है, अपना कुछ नहीं दिखता, इसलिए दोनों मझधार में हैं, है ना। जब तक ऐसी अभावोन्मुखी दृष्टि बनी रहेगी तब तक असंतुष्टि बनी रहेगी, क्योंकि अभावोन्मुखी दृष्टि से ही असंतुष्टि की सृष्टि होती है। दूसरा कारण, यथार्थ की अनदेखी। जीवन के यथार्थ का बोध लोगों के मन में नहीं दिखता। हर व्यक्ति के मन का एक भ्रमपूर्ण विश्वास है, वो ये है कि मैं जो चाहूं वह सब होगा, जो मैं चाहूं वही हो। ये भाव है कि नहीं तुम्हारे मन? हर व्यक्ति यही सोचता, जो जो मैं चाहूं वो हो जाए। पर संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है, यहां तक कि धरती में जन्म लेने वाले भगवान भी, कि उनने जो चाहा है वह हुआ हो। जीवन के सत्य को समझते हो? बोलो। जो मैं चाहूं वह हो, ऐसा आप सोचते हो, यथार्थ में ऐसा होता है क्या? नहीं ना। जो होता है कैसा होता है? जैसे संयोग होते हैं वैसा ही होता है। मैं चाहूं वैसा नहीं होता, होता है क्या? बोलो। आपने इंदौर में जन्म लिया, प्रार्थना पत्र भेजा था क्या परमात्मा के पास कि मुझे इंदौर में जन्म देना? बोलो। कोई ऐसा भेजा था क्या? जो माँ बाप मिले तुम्हें, तुम्हारे किसी निवेदन पर मिले क्या? हाँ,
महाराज कह रहे हैं इंदौर के जन्म कम है, बाहर के नहीं 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 बहुत सारे बॉर्न और बॉटअप यहीं के हैं। कितने लोग हैं मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ जिनका जन्म इंदौर में ही हुआ हो। महाराज मोर देन 50% है। महिलाओं का तो खैर ऐसी आयातित होती हूँ उनकी बात मत करो, लेकिन है न। तो क्या हुआ, जहाँ भी जन्म लिए तो उदाहरण है, जो माँ बाप मिले वो भी मेरी इच्छा से नहीं मिले, जो शरीर मिला वो भी मेरी इच्छा से नहीं मिला। मिला क्या, जो बुद्धि मिली वो भी मेरी इच्छा से नहीं मिली, जो रूप मिला वो भी इच्छा से नहीं मिला। मिला क्या बोलो, तुम्हारी पसंद से क्या मिला? दुनिया की इतनी चीजों में क्या चीज है जो तुम्हारी पसंद से मिली? हाँ, वो भी तुम्हारी पसंद से नहीं। एक दिन मैंने ऐसे ही सवाल किया एक प्रवचन में रतलाम में कि तुम्हारी पसंद से क्या मिली, उसने कहा पत्नी। तुम्हारी पसंद से क्या मिली? अच्छा यहां भी आया वाचा। अच्छा तो वो बोला पत्नी। हमने कहा इसलिए फेल हो गए। एक अनुभव बताता है, जो अपनी पसंद से लेके आते हैं उनकी कम पटती है, और माँ बाप की पसंद से जो लेके आए आज तक पट रही है। बोलो सही है कि नहीं, जोरदार तो बजाओ। और चलो आज के युवाओं को एक संदेश देने के लिए मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं इस सभा में जिन्होंने माँ बाप की पसंद से शादी किया है? हाथ उठाए रखो। हाँ कैमरा मैन कहाँ बैठे हो, रे इधर से कवर करो, सबको पूरा देश को दिखाना, इधर से आ जाओ पीछे आ जाओ, हाथ उठाए रखो, थोड़ी देर दर्द नहीं होगा, एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ी देर ऊपर नीचे कर लो, पीछे से ले आ, पीछे से ले लो, इधर आके थोड़ी देर, ये लगना कुछ हो रहा है। और ये प्रयोग करते रहें तो आप लोग भी चैतन्य बने रहेंगे। भाई हम जैसे अपने प्रवचन में हिलते डुलते रहते हैं, आप लोग भी हिलते डुलते रहोगे तब तो अंदर से कुछ परिवर्तन होगा, उथल पुथल होगा। तो मैं आप सबसे कह रहा था कि कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप की सम्मति से विवाह किया? एक बार पुनः हाथ उठाओ। इससे तो लगता है कि इंदौर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, इनमें से फिर से हाथ उठाना, कितने लोग हैं जो अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट हैं? मजबूरी में तो नहीं उठा रहे हो, है ना? मुख्य यजमान हाथ नहीं उठा रहे। तो ये एक संदेश है देश भर के युवाओं के लिए। एक बात ध्यान रखना, ये बीच का प्रसंग है, आजकल लोग पसंद करते हैं, एक घंटे की दो घंटे की बात में आप क्या पसंद करोगे? और जब मुझे पता है कोई मुझे पसंद करने आया है तो मैं अपना असली रूप थोड़ी दिखाऊंगा, असलियत तो बाद में दिखती है। अक्सर लोग धोखा खाते हैं। और ध्यान रखना, अनुभव की आंखें ही सत्य का दर्शन करा सकती है, बाकी चीजें कुछ नहीं। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी डिग्रियां हो, अनुभव तो काल सापेक्ष होता है, इसलिए उसके लिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूं, हो सकता है कुछ लोग इस सभा में भी होंगे, जिन्होंने विवाह से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं और शादी हो गई। अगर 2-4-10 ऐसे हैं तो हाथ उठाओ, देखो उठाओ, हाथ उठाओ थोड़ा सा, जिन्होंने एक दूसरे को देखे बिना भी शादी की ना? और ये बताओ तुम्हारी अच्छी पट्टी की नहीं पट्टी? रमेश जी पट रही ना, चेहरा बता रहा है। तो ये अनुभव की बात है, तो ये लोगों को सीखना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज नया जमाना आ गया, पुराने जमाने की बात हो गई। भैया जमाना कोई भी हो,
जो हमारे जीवन के मूलभूत मूल्य होते हैं वो तो शाश्वत होते हैं, वे जमाने के अनुसार नहीं बदलते। और जमाने के अनुसार मूल्यों को बदल दो तो जीवन में कोई सार नहीं होता। यथार्थ को देखिए, जो मैं बात करने जा रहा था, यथार्थ की अनदेखी हमें असंतुष्टि को जन्म देता है। अगर आपने इस यथार्थ को स्वीकार लिया, आपको कभी तकलीफ नहीं। शायद ही इंदौर में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति के मन में आया होगा, अरे कहाँ जन्म ले लिया, अमेरिका में जन्मे होते तो ज़्यादा अच्छा था। शायद ही आपके मन में कभी ऐसा विचार आया होगा, अरे किस कैसे माँ बाप के यहाँ जन्म ले लिए, हमारे माँ बाप कोई दूसरे होते तो अच्छा होता, दूसरे माँ बाप को देखते। शायद ही अपने शरीर को लेकर के तुम्हारे मन में कभी आया होगा कि अरे ये कैसा शरीर आ गया, मेरा शरीर तो शाहरुख खान जैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कभी कभार सोचते होते, हाथ उठा रहे, शाहरुख खान जैसा मेरा शरीर गठीला होता तो ठीक है, पर मैं शाहरुख खान के रूप में जन्म लिया होता ऐसा तो नहीं सोचते। आपने इन सब कर लिया क्यों? क्योंकि आपको पता है यही मेरी नियति थी और यही मेरे जीवन का यथार्थ है। जिसकी जैसी नियति होती है वैसी ही परिणति होती है, ये जीवन का यथार्थ है। इस यथार्थ को स्वीकारने के कारण एक गांव में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने जन्म से संतुष्ट है। काला कुरूप शरीर पाने वाले के मन में भी उसके प्रति शिकायत नहीं है। कैसे भी परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसके मन में शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने नियति की परिणति को स्वीकार लिया है। जहाँ स्वीकार भाव है वहाँ संतुष्टि है, और जहाँ अस्वीकारता है वहाँ दुख है। यथार्थ को समझो। संसार के सारे संयोग मेरे अधीन नहीं हैं। मैं जो चाहूं में नहीं है, मैं जो चाहूं वही हो ये मेरे हाथ में नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है, है ना? तो भाई, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए परेशान क्यों हो? उससे अपनाओ जो तुम्हारे हाथ में है। यथार्थ की अनदेखी मत करो। असंतुष्टि कभी नहीं होगी, और जब तक यथार्थ की अनदेखी करोगे संतुष्टि हो नहीं पाएगी। और यथार्थ का दूसरा रूप, न मैं कुछ लेकर आया हूं न लेकर जाऊंगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जीवन का यथार्थ है कि नहीं? किसके लिए मगजमारी, किसके पीछे ये माथा पच्ची, क्यों ये आपाधापी, क्यों ये भागम भाग? बोलो क्यों? काश यथार्थ को सामने रखकर चलते होते तो ऐसी अज्ञानता, ऐसी नादानी तो नहीं करते ना। लेकिन फिर भी लोग पूरे जीवन इसी सत्य को झुठलाने में खपाते रहते हैं। यथार्थ की अनदेखी मत कीजिए, असंतुष्टि बनी रहेगी। तीसरा यथार्थ है,
न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो या कहूँ इस जीव को साथी। हम लोग ये बोलते हैं ये सच है कि मन की कल्पना, बोलो थोड़ा दम से, पर जिंदगी भर इसी सच को तो झुठलाते हैं। हमारे मन में असंतुष्टि होती है जब हम किसी से अपेक्षाएं रखते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती, असंतुष्टि का तीसरा कारण है ना। अपेक्षाओं की उपेक्षा, हमारी अपेक्षाएं पूरी ना हो, इच्छाओं की पूर्ति ना हो, हमें असंतुष्टि होती। भैया अपेक्षाएं रखते क्यों? अरे हमने उसे इतना अपना माना, उसने हमें धोखा दे दिया, हमने उसके लिए इतना किया, उसने वक्त पर हमारे लिए कुछ नहीं किया, होता है। हमें तो देखा तक नहीं, ओ देखो हम हमेशा आगे पीछे, हम उनका कितना केयर करते थे, अब महाराज के पास आ गए, आगे बढ़ गए, अब तो सीधी मुँह बात ही नहीं करते। अरे भाई क्यों ऐसी अपेक्षा रखते हो? कौन किसका है? कोई मेरा साथ दे 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 दे, साथ देता नहीं, ये हमारी शिकायत की भाषा है। साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ का स्वर है। साथ देता नहीं आरोप है, साथ दे नहीं सकता ये यथार्थ है। यथार्थ को समझोगे अपेक्षाएं खत्म होगी, और अपेक्षाएं मिटेगी असंतुष्टि मिटेगी। कभी इस पर चर्चा करूंगा विस्तार से, लेकिन कारणों को समझिए। तीसरा कारण अपेक्षाओं की उपेक्षा होना असंतुष्टि का कारण। और चौथा कारण इच्छानुलोमी वृत्ति। इच्छानुलोमी वृत्ति का मतलब कुछ भी कार्य करना अपनी इच्छाओं की पूर्ति में तत्परता देखना, इच्छा पूर्ति की अभिलाषा से काम करना, काम करने में कर्तृत्व का भाव रखना, फल की आकांक्षा रखना। तुम कोई भी कर्म करो, सहज भाव से काम करोगे संतुष्टि होगी, कर्ता बुद्धि से काम करोगे असंतोष होगा, फल की वांछा रखोगे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैंने कोई काम किया, टारगेट बनाया, मुझे इसका ये परिणाम मिले, ठीक है, काम किया, वांछित परिणाम मिला, अल्पकालिक संतुष्टि हुई। कोई भी काम किया, आज आप आए, सोच के आए थे सभा में जाएंगे, आगे बैठने का मौका मिल जाए, अब महाराज की नज़र पड़ जाए, आप समय पर आ गए, आगे आने का मौका मिल गया, आप पर नज़र भी पड़ गई, और संयोगतः आपको श्रीफल भेंट करने के लिए बुला भी लिया गया, संतुष्टि मिली ना। ये अल्पकालिक संतुष्टि, लेकिन आप यहाँ ये सब सोचकर आए और मौका नहीं मिला, आपके बाजू वालों को बुला लिया गया। बताओ पूरे प्रवचन में मन लगेगा? ईमानदारी से बोलो क्या हो गया? महाराज अंदर बुखार आ जाएगा, ये खेल किसने बिगाड़ा भाई?
इसकी जगह तुम सहज भाव से यहाँ आए होते और कदाचित तुम पर नजर पड़ती, तुम्हें बुला लिया गया होता, तो जो प्रसन्नता होती उसकी कोई सीमा होती? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। काम कीजिए, फल की इच्छा से मुक्त होकर, क्योंकि फलेच्छा से कर्तृत्व का अहंकार बढ़ता है जो हमें व्याकुल बनाता है। और जब हम उससे मुक्त होकर कोई काम करते हैं, कर्तव्य की भावना से अनुप्राणित होते हैं, वो हमें संतुष्टि देता है, हमें विनम्र बनाता है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये चारों ऐसे कारण हैं जो हमें परेशान करने वाले हैं, जो हमें असंतुष्टि की आग में झुलसाने वाले हैं। इनके होने पर, सब कुछ होने पर भी तुम परेशान रहोगे, और इनके ना होने पर, कुछ ना होने पर भी प्रसन्न रहोगे। क्या चाहते हो? परेशान होना या क्या चाहते हैं? प्रसन्न रहना। हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हो ना? प्रसन्न रहना चाहते हो? ईमानदारी से तो कुछ मत करो, सवेरे से एक घंटा यहाँ दे दो, खुराक दिन भर की मिल जाएगी। अब उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। खुराक लो, तरोताज बनो। तो यथार्थ अभावोन्मुखी दृष्टि नहीं। अब क्या करना है? मुझे उस पर ध्यान देना है जो मेरे पास है, उस पर नहीं जो मेरे पास नहीं गैरों के पास है। जो मेरे पास है उस पर मैं ध्यान दूंगा, मेरा हृदय संतुष्टि से लबालब रहेगा, और जो गैरों के पास है उसको देखूंगा मैं पागल बना रहूंगा। ये सूत्र अपना लीजिए। यथार्थ को सदैव स्मरण रखूंगा, उसे कभी भूलूंगा नहीं, अनदेखा नहीं करूंगा, सदैव सामने रखूंगा। बुंदेलखंड में कहावत है, पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय, है ना? तो यदि मेरे जीवन में अनुकूल संयोग है तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं, अप्रतिकूल संयोग है तो भी मुझे कुछ सोचना नहीं, क्योंकि सोचने से कुछ होना भी नहीं है। कर्म के अधीन चीजें यथार्थ सामने रखो। हम लोगों के संस्कृति में यथार्थ को सदैव स्मरण करने की बात की जाती है, और इसीलिए किसी की मृत्यु के बाद उसकी जो अंत्येष्टि की जाती है उसके लिए अर्थी उठाई जाती है, अर्थी, और बोला जाता है राम नाम सत्य। क्यों बोलते? शव यात्रा जिस पर आप लेकर जाते हैं, उस व्यक्ति की उस अंतिम सैया को अर्थी क्यों बोलते हैं मालूम? ये शरीर को रथ कहा जाता है और आत्मा को रथी। क्या है? शरीर रथ है और आत्मा रथी है। इसका मतलब रथी चला गया, कोरा रथ रह गया। रथी चला गया, कोरा रथ रह गया, न रथी अरथी। क्या मतलब है?
न रथी अरथी, रथी गया और इस रथ का रथी कभी भी निकल सकता है, ये यथार्थ है कि नहीं? इसे याद रखो, रथ रहेगा, रथी का कोई अता पता नहीं रहेगा, कब रथी निकल जाए, इसलिए व्यर्थ की बातों से दूर रखो और यथार्थ को सामने रखकर परमार्थ से नाता जोड़ो, सदैव संतुष्टि से भरे रहोगे। अपेक्षाएं कम करें, मतलब से मतलब रखें, अपेक्षाएं कम करें, मतलब से मतलब रखें, तो हमारा जीवन सदैव सुखी बना रहेगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करेंगे। इच्छानुलोमावृत्ति से मुक्त होकर, कर्तृत्व की भावना से मुक्त होकर, कर्तव्य के भाव को हम आत्मसात करके चले, सदैव संतुष्टि से भरे रहेंगे। यदि आप इन सूत्रों को आत्मसात करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बंधुओं, हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे पास जो विचारों की संपदा है वो आप सबको लुटा रहे हैं।